और यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं और हम चल रहे हैं भोले बाबा के मंदिर, यानी रामायण का पाठ कल से हो रहा है, तो रात में हम भी नहीं जा पाए हैं और कल पूरा दिन भी नहीं रामायण का पाठ किए हैं। तो हमने सोचा आज सुबह से ना 3:30 बजे से आँख माता रानी ने खोल दिया था, तो स्नान ध्यान करने के बाद घर का भी पूजा पाठ हो गया और उसके बाद हमने सजा लिया है थाली पूजा की और चल रहे हैं, आप लोगों को भी रामायण का पाठ सुना रहे हैं, हम भी सुनते हैं और अपना 5 बजने वाले, जल्दी चलते हैं। हम यहाँ सुबह सुबह से, हमारी 1-2 बहनें आ गई हैं, तो वो लोग और हम सब मन मिल करके कहेंगे रामायण का पाठ, आप लोगों को भी सुनाएंगे और हम भी सुनेंगे। दस मिनट तक हमने रामायण का पहले पाठ किया, इसके बाद ये टाइम ना 6 बज रहे थे, तो हमने सोचा पूजा की थाली भी ले आए हैं, पूजा भी कर ले। तो आंटी जी बोली पहले शोभा मंदिर की साफ सफाई कर लो और कल का जितना भी चढ़ा हुआ फूल बेल पत्र फल वगैरह है सब हटा लिए हैं, इसके बाद अच्छे से मंदिर की सफाई कर लेते हैं। और वैसे तो शिवरात्रि में रात भर का जागरण करना चाहिए हम बहनों को, लेकिन कहाँ हो पाता है हम सब लोगों से, पूरा दिन अपनी घर गृहस्थी के काम करो, बच्चों को देखो, आने जाने वालों को देखो, ये भी प्रभु ने हमको जिस कार में लगा रखा है वो भी, तो ये कार तो बहुत ज़रूरी है करना। तो यहाँ पर हमने मंदिर की अच्छे से धुलाई कर लिया, कर लेते हैं पूजा। और पूजा करने के बाद ना गाइस, हमने रामायण का पाठ भी किया। जब रामायण का पाठ हम करने लगे ना, तो कुछ याद भी नहीं था कि कितने समय तक हमने रामायण का पाठ किया है, और पूरे 3 घंटे तक हम वहाँ बैठे रहे हैं और ये टाइम ना 8:30 बज रहे हैं। आने के बाद हम सुबह ना सुंदरकांड का पाठ नहीं किए थे, तो हमने सुंदरकांड का पाठ भी कर लिया। इसके बाद लग गए हैं किचन में, पतिदेव भी हमारे नहाने गए हुए हैं, बच्चे भी सब जग गए हैं, क्योंकि पतिदेव की भी ना आज ऑफिस की है छुट्टी। तो यहाँ पर हमने 3 आलू लिया है, 3 आलू छील लेते हैं और 1 कटोरी हमने बेसन को फेंट लिया है। बेसन में सिर्फ हमने नमक डाला है, कोई मसाला वगैरह नहीं डाले हैं। और हमारे पतिदेव भी आ गए पूजा पाठ करने के बाद, हमसे कह रहे हैं आज देवी जी कहाँ गोल थी 4 बजे से, तो हमने कहा हम मंदिर गए थे, आप तो ये नहीं कि नहा करके जाएँ, आप भी रामायण का पाठ कहते, और देखिए खजूर डाल करके ना बना रहे थे बादाम से, तो हमने 1 चुरा करके ना खजूर खा लिया। हमसे कह रहे और खा लो, बादाम भी खा लो, अपनी भी सेहत का ध्यान दो, लेकिन हम लोगों से ना यार कहाँ हो पाता है हम बहनों से, हम लोग ना सूखा रूखा खा करके अपना स्वस्थ रहते हैं। और इसके बाद ना आलू हमने छील लिया था, आलू ना पतले पतले करके ऐसे हम काट लेते हैं, थोड़ी पकौड़ी बनाएंगे क्योंकि सासू माँ का कल का फास्ट था और हम लोगों का सबका भी था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को ना इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे लिए तो अपने काले चने भुने हुए हैं और यहाँ पर कढ़ाई में हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया था, थोड़ी हमने तेल लिया है क्योंकि जो तेल बचा हुआ होता है ना, इसको रखने में ना अजीब सी स्मेल सी आने लगती है, इसीलिए हम थोड़ी ही तेल कढ़ाई में डालते हैं। और ये वाली छोटी वाली कढ़ाई ना हमारी बहुत ही अच्छी है, इसमें ज़्यादा हमको तेल नहीं डालना पड़ता है। और जैसे थोड़ी तेल बच भी गया ना, तो शाम को जैसे दाल बनाते हैं ना, तो दाल फ्राई में हम यूज कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये नहीं कि 1-2 दिन तक इसको रखें। तो सबको पहले कराते हैं नाश्ता, सबका नाश्ता हो गया, चलते हैं छत में, बच्चों के कपड़े धुल करके डालते थे। पतिदेव ने इतना तेज टीवी की आवाज़ किए हुए हैं कि बात करना मुश्किल है। और हमारी सासू माँ ना गई हुई है मार्केट, हमसे बोल रही थी चलो मार्केट, हमने कहा हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ना हम लोगों को मंदिर भी जाना है, वहाँ हवन है और इसके बाद भजन कीर्तन है और फिर प्रसाद मिलेगा सब लोगों को, इसके बाद भंडारा भी है, यानी हम सब बहनें मिल कर के भंडारा करवा रहे हैं। तो हाँ बेटा हवन शुरू है, मीना है आवाज़ दे रही, करे चलिए चलते हैं मंदिर। हमने कहा बस बच्चों के कपड़े धुल के डाल देते हैं, इसके बाद ही चलते। चू 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 चिड़िया हमारी बोल रही है, हमको देखती है चिड़िया, धुल करके डाल दी हम जा रहे अपनी साड़ी में पिन लगाने, क्योंकि कपड़े धुलते समय ना हमारी साड़ी की पिन भी खुल गई। और चलते हैं मंदिर, आज ना बाहर इतनी तेज वाली धूप है कि
कि आप ना 5 मिनट तक खड़े नहीं हो सकते हो, यानी सुबह शाम ना भी ठंडी पड़ती है। अगर सुबह शाम आप साल स्वेटर न लो तो बहुत ही तेज वाली ठंडी लगती है, लेकिन इस समय। और मनु की एक बात बताएं, मनु कल की बात आप लोगों से बताएं, अहियागंज की मार्केट में ना जो हमारा पर्स गुम हो गया था ना, तो मनु क्या बोल रहे हैं, करे झुमका गिरा रे अहियागंज की बाजार में, तो हमने कहा बेटा कर लो मजाक। और भी हमारी मनी नहीं थी, सासू माँ की थी, क्योंकि जब भी वो मार्केट जाती ना हमको दे देती, बोले सो भाई इसको रख लो संभाल करके, नहीं हमसे कहीं गिर जाएगी। और हमको क्या पता था कि वो हमसे ही गुम हो जाएगी, तो कुछ ना हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। अगर वो छोटा सा ना हैंड बैग था उसको हम हाथ में फंसा करके रखते ना, तो बट कोई ना हमारे बैग से लेता। लेकिन हमारी गलती ये थी कि बड़े बैग में उसको हमने डाल लिया और ध्यान न दी, ऐसे ना कंधे में फंसाए रखे, और पता नहीं यार कैसे निकल गया, कुछ समझ में ना आया, लेकिन जाने दो। मनु बोलते हैं माँ हमेशा आप दान पुण्य करते रहते हो, आप समझ लो कि उसको अपने दान भी दे दिया। हमने कहा हाँ ये बेटा बात सही है, रात में ना काफ़ी समय तक हमको समझाता रहा, माँ बोलो टेंशन मत किया करी, आप बहुत जल्दी टेंशन कर लेते हो, और जो गया उसको मत सोचो, वो आपने दान भी दे दिया। तो बच्चे ना हमारे बहुत ही समझदार हो गए हैं, अब लगता है हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो चलते हैं बिना आवाज दे रही है मंदिर में। घर से आने में ना थोड़ी हम लेट हो गए थे, जब तक मंदिर आए हैं ना तो यहाँ पर हवन भी हो गया, आरती भी हो गई है, सबको प्रसाद दिया जा रहा है। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए प्रसाद लीजिए, चंदा मृत का प्रसाद पहले हम लोग लेते हैं, आप लोग भी आइए प्रसाद लीजिए, और सबको यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा है। सच बताएं इतना अच्छा लग रहा है, और हम सब बहनें मिलजुल करके भजन कीर्तन भी आप लोगों को सुना रहे हैं। और ये देखिए हमारी पोटली बंद गई, साथ हमने पैक कर लिया था, हमने कहा सब बच्चों को भी खिलाएंगे, और हमारी बहन भी आ गई जो सुंदर सुंदर भजन गाती है। और यहाँ पर सब बहनें कह रही हैं कि शोभा थोड़ी सी ना तुम भी डांस कर दो, आज के दिन करना चाहिए। आने के बाद ना हम देखने लगे, हमारी सासू माँ ना शॉपिंग करके आ गई थी, और क्या क्या लेकर के आई हैं, तो यहाँ पर कई साड़ियाँ हैं, सूट हैं, और जेंट्स के भी कपड़े हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे कपड़े किस लिए आए हुए हैं, तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि हमारे नंद रानी के प्यारी सी छोटी सी गुड़िया जब हुई थी, तो हम लोगों की तरफ से ना यानी दौरी पीड़ा जाएंगे, यानी लड्डू पेड़ा कपड़े वगैरह बहुत सारा सामान जाता है। और आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखा ही होगा,
जब हम पचौहा धाम में थे ना, यानी बिट्टू की भाभी के जब बेबी हुई थी ना, तो वहाँ भी दौरी पीड़ा वाली ड्रेस में ऐसे हुई थी। और उनके भी मायके से आया था यानी बहू रानी के, ऐसे ही पूरा सामान आया था। और ऐसे ही सामान यहाँ से भी सासू माँ ले करके हम सब लोग ना जाएंगे अपने नंदरानी के यहाँ, यानी होली से पहले ही जाएंगे। हमारी सासू माँ की पसंद ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई हुई हैं। और हमारी सब्सक्राइबर हैं यानी हमारी भतीजी हैं राखी, राखी कमेंट की हैं कि बुआ आप हमारा नाम नहीं लेते हो, तो आपका नाम हम हमेशा लेते रहते हैं। हमारी भतीजी आप लोग बहुत ही प्यारी प्यारी हो, आप लोग बहुत ही प्यारे कमेंट करते हो। इसके बाद हम दोबारा आ गए थे मंदिर, जहाँ पर यानी भंडारे का प्रसाद मिल रहा है। तो प्रसाद लेने के बाद आ गए, बच्चों को भी सबको प्रसाद खिला दिए। टाइम ना 3:30 बज रहे हैं और हमारी सासू माँ ना अपने भगवान जी के बर्तन साफ कर रही हैं। और हम आज ना दोनों लोग ना मंदिर में ज़्यादा बिजी रहें, आज हमारी सासू माँ धीरे धीरे अपने कामों में लगी हुई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शोभा थोड़ा पौधों में गुड़ाई कर दो, और इसके बाद हम भी डाल देते हैं पौधों में पानी, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ वाली जब निकलती है ना, तो दोनों टाइम पौधों में पानी डालना पड़ता है। और इसके बाद कई जगह हमको प्रसाद भी देने जाना है, जैसे कि इलाहाबाद से लाए हुए हैं, तो वही बोल रही हैं कि प्रसाद पैक करवा दो और सबको प्रसाद भी दे आओ, क्योंकि हमारी सासू माँ ना इस समय ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। वैसे भी पूरा एक महीने का जब तप करके आई हैं, तो बहुत बड़ी तपस्या होती है, ठंडियों में इस तरह तपस्या करना मामूली बात नहीं है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप लोगों के प्यार की साथ की बहुत ज़रूरत है। जय माता दी।